तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक बार फिर से स्वागत है मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पे। और आज आरएमसी का एग्जाम हुआ है 3 जून को। उस पेपर में ये पहला क्वेश्चन आया था, काफी कमाल का क्वेश्चन आया है। इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन की कहानी देखें। बिटवीन अ सॉकर बिफोर अ सॉकर गेम, तो सॉकर क्या होता है? बेसिकली फुटबॉल ही होता है, राइट? तो नॉर्थ और साउथ के बीच में वो एक फाइट हो रही है, और वहां पर ना 5 प्रेडिक्शन किए गए हैं। ड्रीम 11 वाले ध्यान से सुन लो, ठीक है? प्रेडिक्शन हो रही तुम्हारे लिए कि भाई पहली बात तो ड्रॉ नहीं होगा, दूसरी बात नॉर्थ वाले स्कोर करेंगे साउथ के खिलाफ, नॉर्थ वाले जीतेंगे भी, और वो जीत भी रहे और वो हार भी नहीं रहे, इसका मतलब गारंटी कि जीतते तो नॉर्थ वाले ही है। और 3 गोल करे हैं भाई उन्होंने टोटल मिलाकर, ठीक है? मैच के बाद ये बात चलता है कि इनमें से 3 कहानी जो है वो बिल्कुल सच है, तो बताओ फाइनल स्कोर क्या रहा? अब नाउ क्योंकि मुझे पता है कि नॉर्थ जीत रहा है और नॉर्थ हार नहीं रहा है, इसका मतलब गारंटी है कि नॉर्थ और साउथ के बीच में जो वर्सेस कराएंगे अपन, उसमें भाई नॉर्थ को ज्यादा स्कोर मिलेगा तभी। अब अगर मान लो कि ये कहानी सच है और 3 ही गोल होते हैं, तो नॉर्थ को जीतना है तो इसका मतलब 2 बातें, या तो भाई नॉर्थ 2 कर ले गोल, 1 साउथ कर ले, या फिर नॉर्थ तीनों के तीनों गोल कर ले और साउथ 1 भी ना करे। अब अगर हम मानते हैं कि ये हमारी जो कहानी है ये ट्रू है, तो इसमें देखो आप नॉर्थ वोंट लूज वो भी आ जाएगा, नॉर्थ विल विन वो भी आ जाएगा, और नॉर्थ अगेन जो है साउथ के स्कोर कर रहा है वो भी आ जाएगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। आप देखें, आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे सही हो गए, तो यानी कि नॉर्थ के जीतने पर हमारी ये तीनों के तीनों हो रहे हैं एक साथ। तो क्यों ना हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर हम ऐसा बोल दें कि नॉर्थ ने 1 स्कोर करा, क्योंकि नॉर्थ ने स्कोर करा साउथ के खिलाफ, तो 1 स्कोर करा दो उसको, ठीक है? और हम लोग यहां पर साउथ में 2 डाल दें, अब क्या होगा? देखो देयर वोंट बी अ ड्रॉ, ये बात सही है, ये बात अब भी सही है, और नॉर्थ ने साउथ के खिलाफ स्कोर भी किया है। नॉर्थ जीता, नॉर्थ नहीं जीता, नॉर्थ हारा नहीं, नॉर्थ हार भी गया, है ना भाई? नॉर्थ वोंट लूज, तो ये बात तो गलत हो गई ना, नॉर्थ तो हार गया, तो इसका मतलब हमारी सिर्फ 3 प्रेडिक्शन सही हो गई। कौन कौन सी? कि एक तो ड्रॉ नहीं हुआ क्योंकि नॉर्थ हारा है साउथ जीता है, नॉर्थ ने स्कोर भी किया है और टोटल 3 ही गोल दागे गए हैं, और नॉर्थ जीता नहीं जीता, नॉर्थ नहीं हारा, नॉर्थ तो हारा। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये आपकी सिचुएशन परफेक्ट है, तो आप कह सकते हैं कि भाई नॉर्थ ने 1 गोल किया और साउथ ने 2 गोल किए, और इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फाइनल स्कोर क्या है दोस्तों? नॉर्थ 1 साउथ 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे एवरीवन। गुड बाय।